नमस्कार दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.4% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले तीन दिन से कंटिन्यूसली स्टॉक में रेड कैंडल बनकर गिरावट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी गिरावट आएगा या स्टॉक में तेजी आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे आएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए दोस्तों। नोटिस कर सकते कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक अप एग्जैक्टली के हायर है का कंडीशन बना के स्टॉक ऊपर बढ़ रहे हैं और अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो स्टॉक इस तरीके से एक ऑप्टेंड में ही कंटिन्यू करता नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है किस तरीके से स्टॉक बार बार अपना जो ट्रेल लाइन है उसी को सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ रहा है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से देख सकते हो एक और सपोर्ट लेवल भी आपको नजर आ रहा है जो कि 517.65 रुपये के पास में। सो दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें, यहाँ पर टारगेट के बारे में बात करने से पहले एक बार यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ, एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है कल्याण ज्वेलर्स का वो अपना ट्रेल लाइन ही है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए राइट। सो दोस्तों टारगेट की अगर हम बात करें क्या क्या टारगेट हमें यहाँ पर फॉलो करने की आवश्यकता है, कौन से टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने पहला टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, दूसरा टारगेट की आसपास पहुँच गया था आप मान सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर 816 का टारगेट था लेकिन आप चाहो तो आप ये मान सकते हो कि दूसरा टारगेट भी हमारा हिट किया है राइट। नेक्स्ट टारगेट आपके सामने 930 रुपये में रहेगा या 931 रुपये में रहेगा, उसके बाद 1001। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाएगा। इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, धन्यवाद दोस्तों।